अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एग मिनी बिस्किट। अगर आपने अभी तक माय कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, चीनी 1/2 कप, मक्खन 2 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून। एक बाउल में हम 2 अंडे डालेंगे। इसको बीट करेंगे हम। इसके अंदर हम चीनी डालेंगे 1/2 कप। इसे भी बीट करेंगे अंडे के साथ, अच्छी तरह चीनी हल हो जाए। चीनी हल हो गई है हमारी। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे पिघला हुआ, और इसे भी मिक्स करेंगे। चीनी और मक्खन हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह। इसके अंदर हम 1/2 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। इसके अंदर हम 1 कप मैदा डालेंगे, ये छना हुआ मैदा है। इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह फोल्ड करेंगे हम। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। मैदा अंडे के मिक्सचर में मिक्स हो गया अच्छी तरह। इसके अंदर हम जर्दे का रंग डालेंगे कलर आने के लिए। इसका बहुत ही खूबसूरत इसके बिस्किट बनेंगे, कलर आएगा इन पे। ये हमारा मिक्स हो गया है, बैटर हमारा ये तैयार है। इतना थिक होने चाहिए ये। ये मेरे पास पाइपिंग बैग है, इसके अंदर हम ये बैटर डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इस पर मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसके अंदर हम ये बिस्किट्स की शेप्स देंगे। फासले से हम ये बिस्किट्स से शेप बनाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, इस तरह से हमने बनाना है। फासले से रखना है हमने इनको। अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए। ये देखें, हमारे बिस्किट्स तैयार हैं। हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारे बिस्किट्स ठंडे हो गए। अब हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता हटाएंगे बटर पेपर पे से। ये देखें, ये कितने क्रिस्पी बने। आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, ये कितने क्रिस्पी बने। मैं ट्रे पे डाल लूँ इस तरह से। अब हम इन्हें प्लेट में सर्व करेंगे। हमारे एग मिनी बिस्किट्स तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है। आप इसे गोल्डन कॉइन बिस्किट भी बोल सकते हैं। बेकरी जैसे बिस्किट्स आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करें। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।